प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, अपॉर्चुनिटी, ये तीन शब्द हैं। प्रॉब्लम में प्रॉब्लम देखने वाली दुनिया 80% है, प्रॉब्लम में सॉल्यूशन देखने वाली दुनिया 15% है, और प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी देखने वाली दुनिया 5% है। यानी कि अगर तीन कैटेगरी में दुनिया को डिवाइड किया जाए तो यही है। यानी कि जब भी संकट काल हो उस टाइम जो अपॉर्चुनिटी निकाल लेगा ना, वही 5% में आएगा और वही दुनिया पे राज करेगा। गीता में, इसके अलावा बाइबल में, कुरान में, गुरु ग्रंथ साहब में, सब में लिखा हुआ है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो चुका है वो भी अच्छा हो चुका है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। यानी कि इस वक्त अगर आपकी जिंदगी में कोई भी संकट चल रहा है, कोई भी परेशानी चल रही है, कोई भी तकलीफ चल रही है, तो समझ लो एक नया उजाला होने वाला है, एक नई सुबह आपका इंतजार कर रही है। हर रात के बाद सुबह होती है, हर अंधेरे के बाद ही उजाला होता है। और कितने भी बड़े पुराने कमरे में, चाहे कितने टाइम से अंधेरा हो, एक दिया सलाई जलाने से, माचिस की एक तीली जलाने से वहां रोशनी हो जाती है। अगर आप मेरी इस वीडियो में इस बात को समझ गए कि हमें अपनी जिंदगी में हर कदम पर अपॉर्चुनिटी देखनी है, सिर्फ भविष्य देखना है और हमेशा पॉजिटिव रहना है, तभी आप जिंदगी में दुनिया पर राज कर पाओगे, अपना और अपने परिवार का नाम रोशन कर पाओगे। करना क्या है? हमेशा अच्छा सोचना है, हमेशा अच्छा बोलना है, हमेशा धन्यवादी रहना है। किस चीज के प्रति? हर चीज के प्रति। जैसे मुझे देखने के लिए दो आंखें हैं, चलने के लिए दो पांव हैं, नहाते टाइम जल देवता को थैंक यू बोल दो, सुबह उठते टाइम धरती माँ को बोल दो, वायु देवता को बोल दो, हर चीज में धन्यवादी रहना है जो आपके पास है। अगर आप उसके प्रति धन्यवादी हैं तो दुनिया में वो हर चीज आपको मिल जाएगी जो इसकी सच में आपको जरूरत है या जिसके सच में आप हकदार हो। तो आज के बाद अगर हमें विश्वास है कि धर्मों में, ग्रंथों में लिखी बातें सच है, तो ये जो हुआ है ना अभी सृष्टि में, इससे सृष्टि ने अपना आपको रिपेयर किया है, ओजोन परत ने अपने आप को भर लिया है, पेड़ों में दोबारा से ऑक्सीजन से पूरी दुनिया को भर दिया है। यही मैं आपको बोल रहा हूं कि अंधेरा छट जाएगा, दोबारा से रोशनी हो जाएगी। आपने अपना हौसला नहीं छोड़ना और हर प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी देखनी है। तो मैं देश के सभी आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी और नेचुरोपैथी के चिकित्सकों से बोलना चाहूंगा और हर दुकानदार से, हर व्यक्ति से बोलना चाहूंगा, जो इतने दिन आप घर बैठे हो, आप सिर्फ पॉजिटिव सोचो, और अब इतने दिन में आपके दिमाग में जो नए आइडियाज आए हैं, जो नई अपॉर्चुनिटीज पैदा होने वाली हैं, वो आपको जिंदगी में कहीं ना कहीं बहुत आगे ले जाएंगी, क्योंकि प्रकृति ने अपने आप को रीबैलेंस कर लिया है। अब नया नया सृजन शुरू होगा, नई चीजें सामने आएंगी और सृष्टि में हम वहां से भी अब इतना आगे चले जाएंगे जहां हमने पहले कभी सोचा भी नहीं था। तो अगर आपको लगता है पॉजिटिविटी की इस मैसेज को, पॉजिटिविटी की वीडियो को आगे बढ़ाना चाहिए, तो इस चीज को शेयर कीजिए।